सारे किसान भाइयों ने राम राम। किसान भाइयों, खेत किसान में चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए पुन्नी इंडस्ट्री, जो टोहाना में है। टोहाना फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की तहसील है और हरियाणा में है। इनकी अडम्बा थ्रेसर बहुत मशहूर है, तो आज आपको इनकी नई मॉडल, जो नया इन्होंने तैयार किया है, उसकी आपको जानकारी देंगे। आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम आ गए हैं कंपनी के अंदर। आज आपको इस थ्रेसर के बारे में जानकारी देंगे। इस थ्रेसर की जानकारी देने के लिए, वैसे तो धर्मवीर जी ने हमें काफ़ी कुछ बता दिया है, धर्मवीर जी आएंगे और बाकी मुझे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसकी खास बात क्या क्या है। तो हम शुरू करते हैं किसान भाइयों यहाँ से। आइए धर्मवीर जी, साथ साथ रहिए। तो इसमें जो ये है, सबसे पहले ये जो जोड़ने के लिए हुक है, यह ट्राली का लगाया गया है, यानी कि काफ़ी मजबूत है। इसमें टेंशन नहीं है, कुछ भी टूटने का कोई खतरा नहीं है। इसके बाद आते हैं आप पुड़ी पे। यहाँ दो पुड़ियाँ दी गई हैं। तो पहली पुड़ी जो है गेहूँ वगैरह के लिए बड़ी पुड़ी है, उसके बाद छोटी पुड़ी जो है छोटे अनाज के लिए अलग से लगाई गई है, ताकि किसान भाई उसको ट्रैक्टर के साथ अच्छे से एडजस्ट कर सके। तो किसान भाइयों, इस तरफ से आगे बढ़ते हुए, ये जो चीज़ है ये भूसा निकालने के लिए है। भूसा निकाल करके आगे वापस अंदर जाएगा, जो एक्स्ट्रा भूसा बच जाता है वह भूसा आगे जाएगा। इसमें डबल एलिवेटर होने के कारण ऐसा बनाया गया है। तो तीसरी चीज़ जो है इसकी ये है, ट्राली में अनाज सीधा आता है, इसके नीचे आप ट्राली लगा सकते हैं। ट्राली में लगने के बाद सीधा अनाज ट्राली के अंदर आ जाता है। ये किसान भाइयों, जो एक्स्ट्रा भूसा जो नीचे पल्लट वगैरह बिछा करके हम, तो कचरा जो बच जाता था एक्स्ट्रा, जो नीचे निकल जाता था, जिसके लिए हम पल्लट वगैरह लगाते थे, उस कचरे को यहाँ इकट्ठा करके इसके द्वारा ऊपर ले जाया जाता है। और ऊपर ले जाने के साथ साथ किसान भाइयों, इसके अंदर वापस यहाँ डाल दिया जाता है। यहाँ डालने के साथ साथ इसमें जो है, अंदर जाने के बाद कचरा दोबारा पिसाई होकर के, साफ होकर के बाहर निकलता है, इसमें कचरा निकलता ही नहीं है। उसके बाद किसान भाइयों, जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, जो ये धुर्रा है, ये धुर्रा किसान भाइयों, जो इसको आप जो भी बोलते हो अपने भाषा में, हरियाणा में हिस्सा और धुर्रा दो चीज़ें बोली जाती हैं, हिस्सा, ये ट्राली का लगाया गया है, यानी कि काफ़ी मजबूत है। इसके बाद किसान भाइयों, हम इधर आते हैं। ये जो इसका जो साइज है, ये थोड़ा सा नीचा रख दिया गया है। पहले क्या होता था, किसान भाइयों को इसके ऊपर खड़े होकर के गहरे वगैरह लगाने पड़ते थे, आगे अनाज पहुँचाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, अब ये थोड़ा सा नीचा कर दिया गया है। नीचा करने के साथ साथ हम, अगर एक दो बंदा कम भी पड़ जाए, तो बंदा आराम से अपने गहरे वगैरह लगा करके आगे अपना अनाज पहुँचा सकता है। तो इसमें एक और खास बात इन्होंने बनाई है, देखिए इसके अंदर पहले पटा होता था, पटे के ऊपर अनाज चलता था, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने एंगल लगा करके उसमें कटाई कर रखी है, ताकि इसमें आसानी से अनाज इसके साथ आगे चला जाए, क्योंकि इससे छूटेगा नहीं। तीसरी जो एक और इसमें खास बात मैंने देखी, कि अनाज जो है पहले साइड से नीचे गिर जाता था, लेकिन यहाँ इन्होंने साइड में फट्टी लगा करके लकड़ी की इसको बिल्कुल सेट कर दिया है। इसमें कोई कमी यहाँ नहीं छोड़ी कि भाई अनाज नीचे जाए और इसको वापस पहुँचाना पड़े। तो ये 14 इंची मशीन है वीर जी, 14 इंच का इसका वो है, सिस्टम है। और ये एक घंटे में आप जो है 30 क्विंटल तक, इनका कहना है कि 30 क्विंटल तक आप इसमें अनाज निकाल सकते हैं। इसके साथ में इन्होंने चलाने के लिए पटे की जगह पर, किसान भाइयों, इसके अंदर चैन लगाई है, ताकि ये चैन भी काफ़ी मजबूत है, क्योंकि मोटी है, ये काफ़ी काम करेगी, लेकिन ये ख़राब होने का मुझे खतरा कम लगता है। उसके बाद आप आते हैं इस तरफ। तो किसान भाइयों, इसके बाद आए हम गियर बक्से पे। ये इसका गियर बक्सा है। गियर बक्सा जैसा कि आगे पीछे होने वाला सब में होता है, वही सिस्टम है, लेकिन पुन्नी वालों ने इसके अंदर अलग तरह से जो अपना गियर बक्सा लगाया हुआ है, इसमें आप रेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आपका ट्रैक्टर छोटा है, तो आप जो है छोटे गियर पर, छोटी गिरारी पर चढ़ा करके आराम से काम ले सकते हैं। अगर आपका ट्रैक्टर बड़ा है, तो आप बड़ी गिरारी के ऊपर चढ़ाने के बाद इसके अंदर से ज़्यादा अनाज भी निकाल सकते हैं, ताकि आपको जल्दी काम बन जाए और आसानी रहे। इसके बाद किसान भाइयों, जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ इन्होंने 4 लगाई हैं, 2 पीछे और 2 आगे। इन चारों का महत्व तो ये है कि जैसे कोई टायर पंचर वगैरह हो जाए, तो आप इसके सहारे खड़ा कर सकते हैं, हमें ईंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि अपने पास काम नहीं है, जब हमारा काम निपट जाता है, तो हम इसको सहारे आराम से चारों को लगा करके खड़ा कर देंगे, टायर वगैरह पे दाब नहीं पड़ेगी, टायर कमज़ोर नहीं होंगे। उसके बाद किसान भाइयों, आते हैं आप इस तरफ। यहाँ आने के बाद ये नई चीज़ है, जो इस तरह की चीज़ जो है पहले मैंने नहीं देखी।
इसमें खास बात यह है कि जो अपना मान लो थोड़ा बहुत दाएं बाएं भूसा रह गया, इसके अंदर तो रहता नहीं है, आगे नीचे पलट बिछाने की जरूरत ही नहीं है, जो दाएं बाएं भूसा रह गया वो दाएं बाएं का भूसा इकट्ठा करके अपन इसके अंदर यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ डालने के बाद ये इसके अंदर चला जाएगा और इसके अंदर जाने के बाद साफ होकर के ही आगे आएगा। तो मेरे किसान भाइयों, इसके बाद आप आते हैं यहाँ, ये जो सिस्टम बढ़ाया है इन्होंने, ये जो नीचे भूसा निकलता था, पहले नीचे निकलता था जो भी कचरा निकलता था, उस कचरे को उठा करके आगे पहुंचाने के लिए इन्होंने ये फंक्शन लगाया है। यहाँ से अनाज के लिए भी और उसके लिए भी पंखा लगाया गया है। और इसके बाद जो ये चीज़ है, ये चीज़ भी इन्होंने काफ़ी मजबूत लगाई है, इसका टूटने का या ख़राब होने का खतरा थोड़ा सा कम नज़र आता है। तो किसान भाई, इसके बाद आते हैं आप फिर वापस यहीं, और यहाँ आने के बाद इसके अंदर गंडासे कितने बताए थे, तीन गंडासे आते थे, इसके अंदर किसान भाइयों चार गंडासे दिखाए गए हैं कि चार गंडासे हैं। एक बार आपको खोल करके दिखाएंगे धर्मधर जी कि इसके अंदर गंडासे कहाँ हैं और कितने हैं। ये देखिए आप, बारीक वाले गंडासे हैं और मजबूत हैं, तो इस तरह से ये बनाया गया है। ये चार गंडासे हैं, पहले यहाँ रूले होते थे, रूलों के स्थान पर इन्होंने इस तरह से धारदार गंडासे छोटे वाले चढ़ाए हुए हैं। ये वाले चार हैं, ये वाले तीन और तीन छः एक सात, इस तरह से ये 30-40 गंडासे ये आराम से हैं। 48 गंडासे बता रहे किसान भाइयों को, गंडासे ये हैं। इसके बाद आते हैं आप इस तरफ आने के बाद इसमें जो जाली वगैरह है वो ये जाली का सिस्टम है। इसके ऊपर से जो कचरा आएगा वो यहाँ गिरेगा, यहाँ से फिर दूसरे एलिवेटर से परली साइड जाएगा। इसके बाद किसान भाइयों, जाली जो है कितनी देते हो धर्मवीर जी? दो साथ में देते हैं। इसके साथ में इनका कहना है कि दो जाली एक्स्ट्रा देते हैं और दो जाली ये लगी हुई है फसल के हिसाब से किसान अपने आप लगा सकता है। जैसे गेहूं और सरसों के लिए लगी हुई है, बाकी अगर किसी ने उड़द वगैरह निकालने हैं या कोई और काम करना है तो उसके लिए अलग जाली इन्होंने देनी है साथ में। तो इसकी कीमत साथ में ही रहती है कि अलग रहती है? साथ में। तो किसान भाइयों, उसकी कीमत अलग नहीं लगाई जाती, जो रेट होता है उसी के अंदर दो जाली इसमें साथ में ऐड की गई है। थ्रेसिंग ड्रम के अंदर जो जालियां हैं, लोहे की जो ग्रिल वाली जाली है थ्रेसिंग ड्रम के अंदर जो डलती है वो वाली ये तीन साथ में देते हैं, ताकि किसान भाइयों को अपना आसानी रहे, कोई दिक्कत ना रहे, क्योंकि अपनी अपनी खेती होती है। तो किसान भाइयों, गरील पर किसान भाइयों उनको कहा जाता है जो अपनी इसके अंदर आकर के फिट होती हैं। इसके अंदर अपन लोहे की जो है सरिये वाली जाली लगाते हैं जिसके अंदर जराई होकर के जाता है, तो उनको इसमें गरील कहा गया है। क्योंकि फिर इसका मैं आपको फोटो में वीडियो में ऐड भी कर दूंगा, आप देख सको कि गरील किसे कहा जाता है। इसके साथ एक और खास बात है किसान भाइयों, पहले यहाँ पंखा नहीं होता था, अब देखिए इसके नीचे इन्होंने वहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा बड़ा पंखा लगाया है। पूरा बड़ा पंखा लगाने के कारण अनाज जो है बिल्कुल अच्छी प्रकार से साफ होकर के बाहर आता है, अनाज में किसी प्रकार का कोई कचरा नहीं होता। उसके बाद जो भूसा होता है उसको ये उड़ा करके आगे फेंक देता है। आगे फेंकने के बाद ये दूसरा पंखा है, ये उस कचरे को उठा करके किसान भाइयों यहाँ ले आता है। यहाँ ले आने के बाद जो परला एलिवेटर है उसके बाद वो ऊपर उधर जा करके उधर से यहाँ आ जाता है और साफ होकर के जाता है। इसके बाद किसान भाइयों, इसकी जो मुख्य एक और विशेषता बताई है कि इसके अंदर पुड़िया है। जैसे ये छोटी है, इसके बाद बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, जैसे जैसे किसान को अपनी फसल लेनी है, जिस फसल को निकालना है उसी के अनुसार अपनी सिर्फ बेल्ट फैन बेल्ट बदलनी है, उसके बाद आपको बार बार पुड़ी बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक और ख़ास बात है कि अगर आपने अपनी स्पीड बढ़ानी है तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो, अपना थ्रेसर जो है ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा अनाज निकाल पाएगा। इसके बाद इसमें यहाँ पुड़ियाँ हैं, यहाँ भी जो है इसी तरह से बड़ी है, उसके बाद छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरह से इसमें अलग अलग पुड़ियों का सिस्टम दिया गया है, ताकि किसान जो है आराम से अपना अनाज निकाल सके, उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। किसान भाइयों, इसके ऊपर इन्होंने एक पत्ती लगाई है कि ताकि अगर कभी भी कोई बाई चांस कुछ हो जाए तो ये उसके कारण रुक जाएगा, खुलेगा नहीं, ये वाला है ये हटेगा नहीं, उसका दबाव उसके ऊपर रहेगा। इस तरह दबाव बढ़ाने के लिए इसको इस तरह से इन्होंने सेट किया है। इसके बाद आ जाते हैं इस तरफ, तो इसमें बैरक वगैरह कौन से हैं जी?
टॉप कंपनी के जो सील बंद बैरिंग, सील बंद और टॉप बैरिंग जो है इसके अंदर डाले जाते हैं। वजन वगैरह काफी है किसान भाइयों, इसका वजन जो है 30 क्विंटल बताया गया है। जैसे कि आमतौर पर थ्रेसर 18 या 20 क्विंटल के आसपास होता है, इसका थ्रेसर का वजन जो है 30 क्विंटल यानी कि लगभग उनसे डेढ़ गुना ज़्यादा है। और इसमें मजबूत एंगल लगाने के कारण जो है वेट बढ़ गया, कुछ इसके फंक्शन इन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो सेफ्टी कवर जो है सभी पुड़ियों के ऊपर लगाए गए हैं। इसका जो डबल एलिवेटर के साथ में किसान भाइयों जो रेट है इन्होंने 4,10,000 रुपये बताया है, और सिंगल एलिवेटर के साथ में 390, सिंगल एलिवेटर के साथ इन्होंने 390 बताया है। इसके बाद जो डिलीवरी चार्ज वगैरह एक्सपेक्टेड रेट है आगे लेके जाने के तो इन्होंने बताया कि जो ये रेट है ये कंपनी का यहीं का रेट है, अगर कस्टमर आगे लेकर के जाता है तो उसको डिलीवरी चार्ज अपने आप देना होगा। इसकी कीमत इन्होंने 4,10,000 रुपये बताई है, आप अपने हिसाब से देख लेना कम है या ज़्यादा है, महंगा लगे सस्ता लगे वो आपकी मर्जी के ऊपर है। मेरा काम था किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी देने का, तो अपन ने जानकारी दे दी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें ताकि अन्य किसान भाई भी इसका लाभ उठा सकें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, राम।